इस पेडे लोन एप्लीकेशन में ना जो गलती मुझसे हुई है वो गलती आप लोग मत कीजिएगा, वरना आप लोगों का जो लोन है वो प्रोसेस नहीं किया जाएगा। दिस इज अ लोन एप्लीकेशन फॉर सबका लोन। और ये जो लोन एप्लीकेशन है, अभी अगर आप पे देखोगे यू आर लोन इन प्रोग्रेस, मतलब कि अभी मेरा प्रोसेस में ही चल रहा है, लेकिन ये होगा नहीं कंप्लीट। कि उसको इसका रीजन मैं सबसे बड़ा बताऊंगा इस वीडियो में। क्या है कि मैं आपको बता दूं, ये जो सबका लोन है ये दिल्ली एनसीआर के अंदर लोन प्रोवाइड करती है। ऑलमोस्ट काफी लोगों को नहीं पता है कि भाई सबका लोन एप्लीकेशन में मिनिमम डॉक्यूमेंट की ही रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे गया, डन प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, अपलोड पैन कार्ड, अपलोड आधार कार्ड, उसके बाद यहाँ पे सैलरी स्लिप अपलोड करनी है प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ। देन ये सारे डॉक्यूमेंट आपको नॉर्मली अपलोड करने होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ कि किन किन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आपको आएगा व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप पर आपसे मांगे जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट। देखिए मेरे पास व्हाट्सअप आ चुका है, और व्हाट्सएप पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने हैं यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट मेरा नाम आपको देखने को मिल जाएगा, देन उसके बाद कंपनी का नाम सबका लोन .com, एंड इसके बाद जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो रहेगी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट टिल डेट, मतलब कि आज तक की, एंड लेटेस्ट 3 मंथ का पे स्लिप। KYC डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड पैन कार्ड देना है, और 1 मंथ का लेटेस्ट वन सेल्फी देना है। एंड एड्रेस प्रूफ में आप लगा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट इफ यू आर स्टिंग ऑन द रेंट, वाटर बिल, गैस बिल, एनी बिल, कुछ भी आप लगा सकते हो। ऑफिस डिटेल, ईमेल आईडी एंड कार्ड, मतलब कि आपके पास ऑफिस डिटेल की ईमेल आईडी ऑफिशियल होनी चाहिए, और एक एम्प्लॉय आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। आप उसका फ्रंट और बैक दोनों ही इनको सेंड करोगे। अल्टरनेट 2 नंबर आपको देने होंगे जिस पे कॉल करके वेरिफिकेशन करेंगे। रेफरेंस नंबर, बिट नेम, नाम के साथ आपको प्रोवाइड करना होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे ना गलती से क्या करा, मैंने बोल दिया भाई मेरी सैलरी जो है 17,000 रुपये। नहीं होगा सर, फिर कितनी सैलरी शो करनी होती है? तो उन्होंने बताया अबाउट 35,000 रुपीज़ जो है मिनिमम सैलरी है इसकी, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मतलब मिनिमम आपको 35,000 रुपीज़ की सैलरी शो करनी पड़ेगी। लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, ये मेरा जो प्रोसेस है ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास 35,000 रुपीज़ की सैलरी आती है आपके बैंक खाते में, तो भैया सबके लोन में आपको लोन मिलने वाला है, और यहाँ पे मिलेगा आपको सिर्फ बिटिंग 2 मिनट के अंदर। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंप्लीट यूअर KYC डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट यूअर लोन ऑफर प्लान एंड नेक्स्ट स्टेप फॉर डिस्पर्स बिटिंग मिनट यूअर लोन। अब यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपको मैनुअली चीज़ें फिल करनी होगी, हालांकि मैंने पहले से कंप्लीट कर रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ अ लोन एप्लीकेशन फॉर सबका लोन, और सभी को लोन मिलेगा सबके लोन में। लेकिन इनकम प्रूफ आपके पास चाहिए, मतलब इनकम प्रूफ होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं होगा तो सभी को नहीं मिलेगा लोन फिर।